अयोध्या में एटीएम कार्ड क्लोनिंग कर खाते से रुपए पार करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है। हाल ही में ये लखनऊ स्थित आशियाना में किराए का मकान लेकर रहता है। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि नगर कोतवाल नीतीश श्रीवास्तव की टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज के निकट आरोपी महेंद्र की गिरफ्तारी की। महेंद्र बस्ती संत कबीर नगर लखनऊ मुंबई में हुए साइबर अपराधों से जुड़ा रहा है। डेढ़ माह पहले ही वो लखनऊ जेल से छूटा। महेंद्र के आपराधिक जीवन की शुरुआत मुंबई से हुई। ये मुंबई में साइबर अपराधियों को एटीएम कार्ड की डिटेल मुहैया कराता था। बाद में वो खुद एटीएम क्लोनिंग करने लगा। महेंद्र प्रताप सिंह जो हलियापुर सुल्तानपुर के रहने वाला है, ये गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 103 फर्जी एटीएम कार्ड और 14 एटीएम कार्ड, एक स्कीमर मशीन और मोबाइल फोन, एक हुंडई कार आदि उपकरण बरामद हुए हैं। और ये अभियुक्त जो है विभिन्न जनपदों में एटीएम फर्जी एटीएम के माध्यम से जो है इसको धन चोरी करते थे और विभिन्न जनपदों में इन्होंने घटनाएं किया है। और निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तार होने से जो एटीएम से धन पैसा चोरी होने की घटनाएं हैं उससे अंकुश लगेगा। पकड़े गए आरोपी महेंद्र के 3 बैंक खाते पुलिस को मिले हैं जिनका ब्यौरा खंगाला जा रहा है। आरोपी की लग्जरी कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके पास से 103 क्लोन एटीएम कार्ड, लैपटॉप, 5 आधार कार्ड, एटीएम क्लोनिंग के संसाधन बरामद हुए हैं।